वक्त की बड़ी खबर का खबर फास्ट पर बोले एनसीएससी के अध्यक्ष विजय सांपला। अनुसूचित जाति के लिए मौजूदा प्रावधानों को किया जा रहा अनदेखा, ये बात कही है अपने अधिकारियों को लेकर। हम सजग है विजय सांपला का ये बयान सामने आया है। हम सभी विभागों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं, खबर फास्ट पर बोले एनसीएससी के अध्यक्ष विजय सांपला। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरपर्सन विजय सांपला जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, आपका दूसरा कार्यकाल है, सेकेंड टेन्योर स्टार्ट हो गया, 2 महीने भी पूरे हो गए, आप लोग कौन कौन से मुद्दे इस बार पर फोकस करेंगे? देखिए, जैसे तो ये अत्याचार निवारण कानून को हम देखते हैं, उनके सर्विस मैटर को भी देखते हैं, ये सब तो रूटीन में चल ही रहे हैं, मगर ये क्योंकि आज आधुनिक युग में हम जा रहे हैं तो डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसमें हमने सभी विभागों के साथ ये कमीशन के साथ काम करने के लिए, ताकि वो पोर्टल जो है उसको और अच्छा बनाया जा सके, उसके लिए भी हमने जिनके साथ हमारा एमओयू साइन हुआ है विशाख एन, उनके साथ भी हमने मीटिंगें की हैं ताकि इसको और जल्दी इम्प्लीमेंट करें, ताकि हम 15 अगस्त तक इसकी और थोड़ी सी करें, क्योंकि ये अमृत महोत्सव चल रहा है, 75वां वर्ष आज़ादी का चल रहा है, तो अगर उसमें देखें कि हमने NIC के साथ भी बात की है पोर्टल को और मजबूत करने के लिए, जो हमें सुविधाएं चाहिए, और ऑफिस में भी जो रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करते हुए हम उनका भी इसमें स्टाफ भी उसी अनुसार मिले और लोगों को जल्दी न्याय मिले, जल्दी उनकी सुनवाई हो, ऐसा व्यवस्थाएं जल्दी हो, उसके ऊपर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, और साथ में हम सभी विभागों के साथ भी मीटिंगें करके उनके साथ वो काम कर रहे हैं, और जब से दूसरा टेन्योर आया है तो अभी रिव्यू मीटिंग में भी जा रहे हैं, अभी पिछले 2-3 हफ्तों से हम लगातार रिव्यू मीटिंग चल रही है हमारी बैंकों की, स्टेट्स की, और ये आप देखेंगे कि हर हफ्ते हमारे स्टाफ जो है कहीं ना कहीं रिव्यू मीटिंग पे चल रहा है, फुल कमीशन भी जा रहा है, तो ये महत्वपूर्ण है। और तीसरा जो हमारा एक जो अभी स्टडी के लिए था कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए एक स्टडी करवाई जाए, ताकि सरकार को हम एक अच्छा एक अपना रूप बना के दें कि ये जो समस्याएं समाज में काम करते हुए हमारे पास आ रही हैं और उनके निवारण के लिए ये उसमें हम अपने रिकमेंडेशन देंगे, मानना या उसको कितना इम्प्लीमेंट करना है ये सरकार का दायित्व है। सर, मेरा बस आखिरी सवाल आपसे कि अग्निवीर योजना के तहत जो SC कम्युनिटी है उनके भर्ती में कितना फ़ायदा होगा? देखिए, ये अग्निवीर SC या उससे नहीं है, ये तो देश प्रेम की भावना है और फौज की भावना है, और इसमें इसको इस तरह नज़रिए से ना जोड़ के देखा जाए, और जो फौज में जाता है वो देश के लिए मरने मिटने के लिए जाता है, और उसमें निस्संदेह की यूनिट्स उनके लिए फौज में भर्ती SC कम्युनिटी के लिए भी होती है, तो जो बाकियों के लिए होता है तो वैसे ही है, और इसमें हमारा कहीं भी कोई काम किसी के लिए भी कोई योजना बनाना, कोई पॉलिसी बनाना या कोई एक्ट बनाना हमारा काम नहीं है, जो सरकारें अपना एक्ट बनाती हैं और जिसमें कहीं भी एक्ट पॉलिसी जो बनाती है, जो सुविधाएं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए हों उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हम कहीं कोई कोताही करता तो उसमें हम अपनी दखलंदाजी करते हैं। सो कौन सी योजना सरकार बना रही है, कैसे बना रही है, उसका क्या लाभ होगा, क्या नुकसान, वो हमारा काम नहीं। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए विजय सांपला जी, जिन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना से युवाओं को फायदा ही होगा, चाहे वो किसी भी कास्ट और क्रीड के हों। सरकार की योजना सब कुछ सोच विचार करने के बाद बनाई गई है और युवाओं को इस योजना में, इस भर्ती प्रक्रिया में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन जीतू के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।